हेलो डियर स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है मोनिका मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा तो बच्चों जैसा कि आपको बताइए कि मैंने आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो है इस चैप्टर का स्टार्ट करा दिया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तो इसकी पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं इसकी ठीक है तो आज भी हम क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस की तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन इन मैन मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी आई स्किन ईयर या फिर नोज बताएंगे कौन सा ऑर्गन आपकी बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है बताएंगे सिंपल क्वेश्चन है जल्दी आंसर देंगे तो बच्चों आपकी बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने का काम आपका ईयर करता है ठीक है द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आउटर ईयर ऑफ मैन टिम्पैटिक मेमब्रेन एंड पिन्ना ईयर ड्रम एंड ईयर ईयरलोब पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम या फिर पिन्ना एंड ईयर ड्रम बताएंगे एक्सटर्नल ईयर के कंपोनेंट्स बताने हैं तो बच्चों कौन कौन से होते हैं पिन्ना होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है और ईयर ड्रम होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट्स ऑफ ईयर विच आर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर आर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पिन्ना एंड ईयर ड्रम यूस्टेशन ट्यूब पिन्ना एंड ओवल विंडो लेबरिंथ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम या फिर मेलियस इंकस एंड स्टिप्स बताएंगे इसका सही आंसर तो बच्चों कहां होती है बोन्स में होती है कौन कौन सी में मेलियस स्टेप्स में ठीक है द मिडिल ईयर कैविटी इज कनेक्टेड विद द फेरिंग्स बाय ओवल विंडो राउंड विंडो स्टेशन ट्यूब या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बताएंगे हो तो बच्चो यूस्टेशन ट्यूब ठीक है विच ईयर ऑबिकल इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कोकलिया इन द ईयर ऑफ मैन इंकस मैलियस मेलियस एंड इंकस या फिर स्टेप्स बताएंगे ओवल विंडो से कौन सी बोन अटैच होती है तो, तो, तो क्या सीक्वेंस होता है एम आई एस से याद कराया था मेलियस इनका स्टेप्स uh, तो लास्ट वाली जो बोन होती है ये आपके ऊपर विंडो से अटैच होती है ठीक है कौन सी स्टेप्स ठीक है प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द इयर ड्रम आर इक्वेलाइज बाय ऑल विंडो यूस्टेशन ट्यूब या फिर स्टेप्स या फिर टिम्पेटिक मेम्ब्रेन बताएंगे कौन सा इस ट्यूब ठीक है बच्चो द बोनी एंड मेम्रेनस लेवरिनूमन ईयर आर फिल्ड रेस्पेक्टिवली विद एंडोल एंड पेरिलिम्स या फिर एंडोलिम्फ ऑनली या फिर पैरी एंड एंडोलिम्फ या फिर पैरिलिम्प ऑनली बताएंगे तो कौन सा होता है बच्चों पेरी एंड एंडोलिप ठीक है द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबरिंट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड ओवल विंडो कोकलिया मैक्यूलर क्रिस्टा बताएंगे इसको सही आंसर तो बच्चों कौन सा है इसका सही आंसर ये वाला कोकलिया कोकलिया इज द करेक्ट आंसर द थ्री पार्ट्स ऑफ द कोकलिया इन द ईयर ऑफ मैन आर डिवाइडेड बाय रीजनर्स मेम्ब्रेन ओनली बेसिलर मेम्ब्रेन ओनली रीजनर्स एंड बेसिलर मेम्ब्रेन म्यूकस एंड बेसिलर मैमब्रेन बताएंगे इसका सही आंसर

तो बच्चों सही आंसर किस कौन सा है इसका सबसे पहले वेस्टिबलाई होती है फिर लिए मीडिया होती है बीच में फिर होती है ठीक है ऑर्डिनरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन ईयर आर प्रेजेंट इन ईयर ड्रम पिन्ना एक्सटर्नल ऑर्डिनरी मीटर्स या फिर ऑर्गन ऑफ कोटाई बताएंगे किसमें होता है बच्चों ऑर्गन ऑफ कोटाइम है ये से क्या होता है आपकी हियरिंग का प्रोसीजर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ऑर्डिनरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन ईयर हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई या फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या फिर क्रिस्टा एंड मैक्यूला या फिर सेमी सेमी सर्कुलर कैनाल्स बताएंगे तो बच्चों क्या है इसका सही आंसर हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई इसका सही आंसर है ठीक है द थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट अबूव द रोज ऑफ हेयर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ ऑफ हेवन ईयर इज बेसिलार मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन रीजनस मेम्ब्रेन या फिर टिम्पेटिक मेम्ब्रेन बताएंगे सारी मेमब्रेन्स को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में क्योंकि मेमब्रेन में काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है कौन सी मेम्ब्रेन होती है बच्चों टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है ठीक है कौन सी होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है द कॉम्प्लेक्स सिस्टम लोकेटेड अबूव द कोकलिया इन द इनर ईयर ऑफ मैन इज वेस्टिबुलर एपरेटस ऑर्गन ऑफ कोटाई एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या फिर ईयर ऑफ बताएंगे इसका सही आंसर तो बच्चों वेस्टिबुलर अप्रेटिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द ओटोलिथ ऑर्गन इन द ईयर ऑफ मैन आर टूगेदर कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोटाई क्रिस्टा वेस्टिबुलर एपरेटस या फिर कोकलिया बताएंगे इसका सही आंसर क्या कहलाते कहलातेम एक साथ वेस्टिबुलर एपलेटस ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन द डिफरेंट प्लेन इन ह्यूमन ईयर हेयर सेल्स सेमी सर्कुलर सेल्सर्कुलर कैनाटन वैक्यूलर सर्कुलर एंड यूट्रिकस बताएंगे तो बच्चों हेयर सेल्स इज द करेक्ट आंसर द बेस ऑफ ईच सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ इनर ईयर ऑफ मैन इज रोलन एंड इट इज कोल्ड मैक्यूला सेक्यूलर या फिर क्रिस्टा या फिर एम्प्यूला

इन एम्पीला सेक्यूलर एंड ड्यूटिकल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड द पॉस्चर बताएंगे इसका सही आंसर बच्चा तो कौन सा इसका सही आंसर ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है द प्रोजेक्टिंग रिथ्स ऑफ दिस वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंगटेनिंग टू ह्यूमन ईयर क्रिस्टा इज द प्रोजेक्टिंग ब्रिज इन द एम्पला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल मैक्यूलाज द प्रोजेक्टिंग एंड द यूट्रिकल द क्रिस्टा एंड मेक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर अपरेटर्स द प्रोजेक्टिंग ब्रिज इन एम्पुलर एंड यूट्रिकल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पस्चर बताएंगे इसके सही आंसर सही कॉम्बिनेशन बताएंगे ठीक है ये भी देख लेंगे ठीक है तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है तो ऑल आर करेक्ट ठीक है दिस वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो बच्चों यहाँ पे आज के जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज की कंप्लीट होती है क्योंकि हमने आज एक छोटा सा पोर्शन कवर किया था ह्यूमन ईयर उसके बारे में जो है क्वेश्चंस को पढ़ा था हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं तो बने रहिए हमारे साथ थैंक यू सो मच